नहीं बड़े एक ऐसी डिश है जो छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं, लेकिन इसको घर में बनाने का मेन फ़ायदा ये है कि आप घर में रीज़नेबल प्राइस में 8 से 10 लोगों के दही बड़े बना सकते हैं, आपको पसंद आएंगे। वैसे तो सभी लोग दही बड़े बनाते हैं, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपनी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बेसन बेसन हम लेंगे 2 कप, नमक, ज़ीरा और हल्दी। नमक हम लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा हम लेंगे बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच। और ये सब हैं हमारे बड़े बनाने के इंग्रेडिएंट्स। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी जितना ज़रूरत हो उतना डालते जाएंगे और बेसन को अच्छी तरह से मिक्सचर बना लेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे। आलू में पानी डाल के इसमें 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे नमक। इसको मीडियम फ्लेम पे हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। बेसन की कंसिस्टेंसी हमने इस तरह थिक रखनी है। नाउ बैटर इज़ रेडी। हम ऑयल ले लेंगे, डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई पे। मैंने 3 से 4 ऑयल के कप लिए हैं। आई थी साफ़ तरीके से और अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में रीज़नेबल प्राइस में 8 से 10 लोगों के दही बड़े बना सकते हैं, जबकि मार्केट में इस वक्त एक प्लेट की वैल्यू 100 to 120 हो चुकी है। इससे वो फैमिलीज़ जिनके घर में 8 से 10 लोग हैं या 6 से 8 लोग हैं, उनको बाज़ार के दही बड़े बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जबकि 6 से 8 लोगों के लिए 300 से 400 में आप इजीली ये दही बड़े बना सकते हैं। बूंदी के लिए मिक्सचर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ये बहुत बड़ी नहीं बनानी है। इसको बहुत ज़्यादा हम क्रिस्पी करेंगे, डार्क ब्राउन एंड क्रिस्पी। फ्राई करने के बाद इनको 4 से 5 मिनट ठंडा करेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। बूंदी को भी इसी तरह 4 से 5 मिनट के रख के ठंडा करके फिर पानी में डिप कर लेंगे। मैं सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे पोटैटोस की, उबले हुए आलूओं की, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बूंदी। भल्लों में से अच्छी तरह पानी निकाल के फिर हम सेट कर देंगे अपने भल्ले। अब एक लेयर हम इस तरह पूरी भल्ले की लगा देंगे। कमेंट में बताइएगा कि आप इसे बड़े कहते हैं या भल्ले। दही लेंगे 1 kg, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। चीनी इसमें ऐड कर 1 टीस्पून। पहले हमने जो दही डालना है ये थोड़ा सा पतला होगा, इसमें हमने आधा किलो दही में ऑलमोस्ट 1 कप पानी, आधा कप लेके वो डाल लेना है। इसमें इसको कम से कम हम आधा घंटा डिप कर देंगे। दही के साथ सेम प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे, दही, नमक, चीनी, ज़ीरा, और इसको मिक्स कर लेंगे। दिस टाइम इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना और एक थिक सा बैटर बना लेना है। अब इसके ऊपर हम ये थिक वाला दही ऐड कर देंगे, भले बिल्कुल डिप हो जाए। गार्निशिंग टाइम। गार्निशिंग के लिए मैं लेती हूँ टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाट मसाला। चाट मसाला जैसे कि आपकी चॉइस, तो ऐसा नहीं होगा, मेरे दही बड़े मेरी मर्ज़ी, तो 1 से 2 चाय के चम्मच लेके आपने ऊपर स्प्रिंकल कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। उसके बाद हम डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे हम टमाटर, सब्ज़ मिर्च और धनिया, और इस तरह हम अपने दही बड़े अच्छे से प्यारे से गार्निश कर देंगे। टमाटर इसमें आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे ज़रा सा कलर आ जाएगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पापड़ी। पापड़ी आपने सिर्फ उस वक्त डालने हैं जब आपने दही बड़े सर्व करने हैं। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू कमेंट टू। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। चिकन 1 कप, ऑलिव्स ब्लैक ऑलिव्स हैं 4 टेबलस्पून, अनियन 1 मीडियम साइज, रिंग्स में हम इसको स्लाइस कर लेंगे। मायोनीज 4 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इसमें हम चॉप्ड गार्लिक का ऐड करेंगे। एज रिक्वायर्ड जितना हमें चाहिए होगा उतना हम यूज कर लेंगे। मायोनीज और गार्लिक को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हम 2 रोटियां ले रहे हैं। आप चाहे तो पिज्जा डो की रेसिपी को फॉलो करते हुए 2 पिज्जा ब्रेड्स बनवा लें, वरना आप 2 रोटियां ले लें। ये हाफ कुक्ड है, फुल कुक्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आज क्या। मैं हूं आपकी होस्ट साइमा मुख्तार। शुरू करते हैं रेसिपी इस दुआ के साथ, जहां रहें खुश रहें और अपनों के साथ रहें। बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे ब्रेड एग सैंडविचेस। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, मायो, बॉयल एग, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्रेड हम ले लेंगे 8 से 10 स्लाइसेस और इनकी साइड्स को हम कट कर लेंगे और सेंटर पीस ले लेंगे। आप चाहें तो इसकी साइड्स को कट ना भी करें। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है तो उसकी साइड्स आप कट नहीं भी करेंगे तो वो बहुत टेस्टी बनेंगे सैंडविचेस। इसके साथ साथ आपको याद कराते चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। ये आप सैंडविचेस यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में, अफ्तारी में, पार्टीज़ में, स्नैक टाइम्स में, और स्पेशली डाइट कॉन्शियस लोग जो तला हुआ नहीं खाते उनके लिए ये बेस्ट है। अब हमने ले लिए जी 2 बॉयल अंडे। इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे विद दी हेल्प ऑफ फॉक। आपके पास कोई और ऑपरेटर्स या मशीन है आप उसमें भी इसको क्रश कर सकते हैं। इसको हमने बिल्कुल क्रश कर लेना है, इसके कोई भी बड़े से चंक्स ना रहें। अच्छी तरह इसको मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज। मायोनीज हम लेंगे ऑलमोस्ट
10 टू 12 टेबलस्पून, और अगर आप ज़्यादा स्मूथ खाना पसंद करते हैं तो आप 12 टू 14 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम ब्रेड्स पे स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स और ग्रीन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था। फिर आप वन स्लाइस के अकॉर्डिंगली एक भर के टेबलस्पून आप हर स्लाइस पे डाल लें और उसको स्प्रेड कर लें। अगर आपके स्लाइस इस साइज से बड़े तो आप 1.5 और 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 से कम लेने की सूरत में सैंडविच इतना मज़े का नहीं बनता। और अब हम सारे स्लाइसेस पे इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके इनको बंद कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपने अगर हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको बताते चलें कि हमारे चैनल पे आपको और भी बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, चिकन रोस्ट की, मैक्रोनी की, चीज़ बाइट्स की, अचारी भिंडी की, चिकन रोस्ट टिक्का की, और भी बहुत कुछ है। एक विज़िट ज़रूर करें। उसके अलावा हमारा पोइट्री सेक्शन भी है, व्लॉग सेक्शन भी है, और शॉर्ट वीडियोस भी हैं। उम्मीद है आपको सब वैरायटी पसंद आएगी। और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस स्टाइल की वीडियोस अच्छी लगती हैं। इसके बाद जी अब आपकी चॉइस है कि आप इसको वन बाइट कटिंग में करें या टू हाफ्स में कर लें। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अब है सर्विंग का टाइम। सर्व द फूड विद द लव टू योर लव वंस। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आज क्या। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग आज क्या। अल्लाह हाफिज। मेरे साथ यहाँ पे एक हादसा हो गया था कि जो आपको नीचे मेरी ये वुडन शीट नज़र आ रही है ये थोड़ी सी वेट थी, तो जिस वक्त मैंने रोल बनाया अच्छे से दोनों तरफ से मैंने इसको पैक किया और फिर मैंने इसको रोल किया, और जब रोल करके मैं इसके कॉर्नर पे पहुँची तो मेरा ये रोल पूरा का पूरा जो था क्रैक कर गया और फट गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आज क्या। आज क्या में आज हम बनाएंगे चिकन वेज रोल्स, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, डिलीशियस यमी एंड बहुत ही मज़ेदार फूड। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन में या कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल। ऑयल में डालेंगे हम 1 कप चिकन, और साथ ही उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक और 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और फिर इसको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है 6 to 8 टेबलस्पून। यहाँ सोया सॉस ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून, और थोड़ा सा जो है ऑयल का आपने ध्यान करना है अकॉर्डिंग टू आपका जो पैन है। अगर आप नॉन स्टिक ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप ऑयल कम लेंगे, और अगर दूसरा कोई पैन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी कैरेट, ये ऑलमोस्ट है जी 1/2 कप। अब इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ करेंगे फ्राई। अच्छी तरह से मीन्स जस्ट सौके करना है, इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। इसके बाद हम ऑयल मुझे लगा थोड़ा सा कम है तो मैंने कहा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। साथ साथ इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमने चिकन, कैरेट, शिमला मिर्च और बंद गोभी जो ली है इसका सेम वेट रखना है, यानी 250 ग्राम्स 250 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स ईच ले लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है जी, अब इसको भी हल्का सा सौके करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी, कैबेज जो कि हमने ऑलरेडी कट करके रखी हुई है। बस कटिंग पे ही थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ इसका कुकिंग टाइम तो 5 to 10 मिनट्स है जिसमें कि ये रेडी हो जाता है। ये इसको भी अच्छी तरह से बंद गोभी को बीच में डाल के सारा फ्राई कर लेंगे। फ्राई से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने इसको भूनना या कुछ ना, बस स्टर फ्राई करें जिसमें इसका जो ये क्रंचीनेस है थोड़ी सी लाइट हो जाए और इसका लुक वाइज ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। आपने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ब्लैक पेपर का फ्लेवर और सोया सॉस का थोड़ा सा चेक कर लेना है।
250-100 ग्राम्स ईच के लिहाज से जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है दैट वाज ओके एंड फाइन। एक बाउल में ले लेंगे 2 टेबलस्पून हम मैदा, मैदे में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसकी लेसी बना लेंगे। इसको आप एक सॉल्यूशन सा कहते हैं जिसकी वजह से जो हमारी ये रोल पट्टी होती है बड़ी अच्छी तरह से जुड़ जाती है और इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रोल पट्टी ले लेंगे, मैंने ये स्केयर साइज़ के लिए, आप भी यही ले लें। इसको अच्छी तरह से सेटल करेंगे मैट पे, टेबल पे या ट्रे में जिसमें भी आप बना रहे हैं और इसमें ऐड करेंगे। ठंडा करने पे आपने ये वेजिटेबल चिकन वेज मटेरियल जो आपने बनाया वो ऐड करना है, गर्म नहीं करना वरना आपका रोल नहीं बन सकेगा। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पे एक हादसा हो गया था कि जो आपको नीचे मेरी ये वुडन शीट नज़र आ रही है ये थोड़ी सी वेट थी, तो जिस वक्त मैंने रोल बनाया अच्छे से दोनों तरफ से मैंने इसको पैक किया और फिर मैंने इसको रोल किया, और जब रोल करके मैं इसके कॉर्नर पर पहुँची तो मेरा ये रोल पूरा का पूरा जो था क्रैक कर गया और फट गया। उसका रीज़न ये था कि जो मैंने नीचे इसके बोर्ड लिया था ये बोर्ड गीला था जिसकी वजह से पट्टी बहुत पतली थी और वो फट गई। फिर मैंने दोबारा से कोशिश क्या करनी थी, बनाने तो सारे थे, मटेरियल जो बनाया हुआ था और पट्टियाँ भी थी, तो बस फिर इस तरह इसको मैंने इसमें रखा और साइड से इसको पैक किया और जो कॉर्नर से थे वो थोड़े डीप मैंने इसके कर लिए ताकि ये प्रॉपर इसके ऊपर रोल अप हो जाए। ये देखें जी, इस तरह ये बिल्कुल ठीक बन गया। और फिर मैंने ये सारे ऑलमोस्ट एक पैकेट में 12 थे सारे के सारे बना लिए। और फिर मुझे याद आया मेरी जो कढ़ाई जिसमें मैं फ्राई करती हूँ उसमें तो मैंने चिकन कढ़ाई बना दी थी, तो आज इसलिए मैंने यूज़ की ये छोटी वाली कढ़ाई। ये मुझे बहुत अच्छी लगती होती थी लेकिन काफ़ी अरसे से मैंने इसमें कुछ नहीं फ्राई किया था। चले जी, आज इसकी बारी थी, इसमें हमने ये 4 रोल बड़े आसानी से इसमें डीप फ्राई के लिए डाल दिए और फिर हमने इसको इनमें कर लिया। मसला ये था कि आज मेरा जो था ना वीडियो बनाने वाला उसको क्या कहते हैं स्टैंड, वो था ख़राब और वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक हाथ से पकड़ा चिमटा और एक हाथ में पकड़ा कैमरा और आपके लिए मैंने बना ली वीडियो। और ये देखिए, ये परफेक्ट कलर है रोल का, इस स्टेज पे आपने उतार लेनी है। लेकिन अगर आप वीडियो बना रहे होंगे तो उनका हाल थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और फिर आपको नीचे वाले रोल जो हैं ऊपर वाले रोल से छुपाने पड़े। और ये वो रोल हैं जो मैंने कैमरे के बग़ैर बनाए थे, यानी कि मैंने इनकी फ्राई करते हुए वीडियो नहीं बनाई थी बल्कि फ्राई करने के बाद जब प्लेट में डाल लिए थे और उसके बाद फिर मैंने आपके लिए ये इस तरह आपने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल कैमरा उठा के फ्राई नहीं करना होंगे। तो ये थे मज़ेदार यमी चिकन वेज रोल, उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ड्राई फ्रूट सैलेड, इसमें हमारे पास हैं बादाम, पिस्ता, अखरोट, खजूर, काजू और किशमिश। सेब 2 मीडियम साइज काट लेंगे। शुगर 1/2 कप या 8 टेबलस्पून। क्रीम या दूध 1 कप। चीनी डालकर क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें सेब डालें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक एक करके इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करें। खजूर 1/2 कप, बादाम 1/2 कप, पिस्ता 1/2 कप, काजू 1/2 कप, किशमिश 1/2 कप, अखरोट 1/2 कप। अब इन सबको मिक्स कर लें। ब्लैक पेपर 1 to 2 टीस्पून। Now salad is ready to serve.